हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ एक नया ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोग पायल पहनते हैं तो पहनते पहनते क्या हो जाता है कि इस तरह से पैरों में काला पड़ जाता है। तो चलिए आज एक मैं पायल के लिए ट्रिक लेके आ चुकी हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वूमन में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से अगर पायल पहनते पहनते हमारा काला हो जाता है तो हम करते क्या है, हम सुनार के पास ले जाते हैं और सुनार काटते हैं कटौती। इसमें काफ़ी सारा कटौती काट लेते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। साफ़ करके तो दे देते हैं पर इसमें बहुत ज़्यादा कटौती काट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से जो घर में पायल आपका गंदा है, इस तरह से हम घर में ही इसका क्लीन करेंगे। तो चलिए, मैंने एक कटोरी में पानी डालने के बाद मैंने इसमें पायल डाल दिया था और मैंने इसमें दो चम्मच डाल दिया है इसमें मैंने सरफ। तो देखिए दोस्तों, मैंने दो चम्मच सरफ डाल दिया है और मैंने एक चम्मच डाल दिया है इसमें बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा वो ज़्यादातर सभी के घर में रहता है। आप देख पा रहे होंगे पानी का कलर काफ़ी हद तक ही काला होने लगा है और मैं इसको फ़िलहाल कुछ नहीं कर रही हूँ, हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखी हूँ और ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं रखना है। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज मैं इस तरह से पायल को क्लीन किस तरह से करना है। तो चलिए, इस पायल को आज मैं क्लीन करूँगी। काफ़ी गंदा पायल हो रखा था तो मैंने सोचा चलिए इस पायल को साफ भी कर दें, ये वीडियो आप में भी शेयर कर दें। तो देखिए, आपको इसको 5 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह से उबालना है तो ताकि जितने भी इसमें पायल में गंदगी है काफ़ी अच्छी तरह से बस उबालते उबालते ये पायल आपका क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे मैंने गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम कर दिया है और ये अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है। तो चलिए, मैं थोड़ी देर इसको और पका लेती हूँ और इस तरह से मैंने कांटे वाले चम्मच से लेके बस मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से इधर उधर घुमा दे रही हूँ कि ताकि इसका ये जो गंदापन है अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो आप देख पा रहे होंगे पानी का कितना गंदा कलर हो चुका है और मैं गैस के फ्लेम को कर देती हूँ बंद। चलिए, मैंने बंद कर दिया है और मैं इस कटोरी को उतार ली हूँ। तो चलिए, मैं इसमें से गर्म ही गर्म निकाल के, और या तो आप इसको, टाइम है आपके पास तो आप इसको 5 से 10 मिनट इस तरह से पानी में रख दीजिए। तो देखिए, इस तरह से पायल को सीधा कर पानी में से निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें मैंने दो फिलहाल निकाला है। अगर आपके पास इस तरह से कोई ब्रश है तो देखिए, इस तरह से ब्रश से साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नहीं तो आप कपड़े धोने वाले ब्रश से इससे भी साफ़ कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है। इस तरह से अगर आपके घर में पायल वगैरह गंदा हो जाता है तो आप इस तरह से अपने घर में ही बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं और आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पानी काफ़ी गर्म हो रहा है तो देखिए, मैं थोड़ा इसको आराम से ही निकाल दें, कहीं हाथ ना जल जाए। तो देखिए, जैसे कि मैंने पहले करा, इसको भी मैं इसी तरह से कर लूँगी, नहीं तो मैं इसको कपड़े वाले ब्रश से साफ़ करूँगी। थोड़ा चौड़ा है तो वो साफ़ करने में बहुत ईजी तरीके से साफ़ हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा पायल काफ़ी हद तक ये साफ़ हो चुका है, मैंने ब्रश से साफ़ किया है। तो दोस्तों, इसी तरह से अगर आपके घर में भी इस तरह से मेंबर हैं, अगर आपके घर में चांदी इस तरह से काला पड़ जा रहा है तो इस तरह से चांदी को घर में ही साफ़ करें। और ज़्यादा अगर आपको लगे, देखिए इसमें थोड़ा सा जो मैंने इस तरह से पानी को पकाया था, इस तरह से पायल में डाला हुआ था, तो वही पानी डाल के आप कपड़े वाले ब्रश से इस तरह साफ़ कर लेंगे, बिल्कुल 2 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह से बिल्कुल आपका पायल क्लीन हो जाएगा और देखिए, अच्छा सा भी इससे क्लीन हो जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 पायल है तो काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा और कोई टाइम नहीं लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है, इस ट्रिक को आप लोग एक बार ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर के साथ कॉमेंट भी करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो चलिए, हमारी पायल बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। तो दोस्तों, काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुकी है, मैंने ब्रश के हेल्प से भी इसको रगड़ दिया है, जो गड्ढे गड्ढे में भी इसके काफ़ी मैल भरा हुआ था ये क्लीन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको साफ़ पानी से भी धुल ली हूँ और साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे पहले में अब में कितना अंतर हो चुका है और काफ़ी क्लियरिटी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप अपने घर में भी पायल इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल कम समय में इस तरह से पायल साफ़ हो जाती है और कम टाइम भी लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो देखिए, इसी तरह से मैंने पायल को क्लीन कर लिया है।
तो आप देख पा रहे होंगे इसका फाइनल लुक। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।